हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा देगी स्टाइल में, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन। आधा किलो चिकन के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम हमने प्याज ली है, इसको स्लाइसली कट किया है। 150 ग्राम मैंने दही लिया है। 200 ml के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। देखिए, कोरमा बनाने के लिए मैंने मखाने लिए हैं। मखाने के साथ मैंने कुछ काजू टुकड़ा लिया है, साथ में खरबूजे के बीज यानी मींग ली है, गिरी ली है, नारियल का पाउडर लिया है। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करके और एक पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। देखिए, कोरमा मसाला बनाने के लिए हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच मैंने खसखस लिया है, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। साबुत मसालों में मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, 6 से 7 मैंने छोटी हरी इलायची ली है, 6 से 7 मैंने लौंगे ली हैं, 1/2 जायफल लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने जूलियंस किया है। देखिए, कुकर में सबसे पहले थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसमें थोड़े से मखाने और काजू थोड़े से और ये मगज, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। बाकी बचे हुए काजू और मखाने और नारियल पाउडर हम डायरेक्ट कोरमा तैयार करने के बाद उसमें मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल 1-2 मिनट में ये रोस्ट हो जाता है। गैस हम बंद कर देंगे, इसी ऑयल में हो जाएगा। और इसको हल्का ठंडा करने के बाद हम इसको जार में पीस लेंगे। बाकी बची रिफाइंड ऑयल में हम प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके लिए हमें 3 से 4 मिनट लगे। और इसको हल्का ठंडा होने के बाद इसको हम क्रश कर देंगे या हल्का सा मिक्सी में चला लेंगे। देखिए, प्याज हमने बाहर निकाल लिया, मसाले और अदरक डाल देंगे और साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। सभी पाउडर मसाले डाल देंगे। दही डाल देंगे। इसमें 1 कप के करीब पानी मिला देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक कुकर बंद कर गला लेंगे। साथ ही इसमें मखाने और काजू डाल देंगे। चार से पाँच मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे या एक सीटी हम लगा सकते हैं। देखिए, हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है। इसमें हम ये ब्राउन की हुई प्याज और जो बाकी हमने मसाले रोस्ट किए थे इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसको हम इसमें मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको ढककर पका लेंगे और ये रेडी है। हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाइए, खाइए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me.